तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की कमेटी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो रंगारेड्डी के पुडुट्टूर मंडल में महकमे दिफा को अलाट करदा 2900 एकड़ अराजी फिल फोर हवाले करें ताकि बहरिया की जानिब से बहरी राबते के लिए बावकार राडार तामीर किया जा सके। सदर वखादाबाद ज़िला कांग्रेस कमेटी और साबिक रुकन असम्बली टी राममोहन रेड्डी ने कहा कि मरकज ने पहले ही 2017 में इसके लिए 150 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत को अदा कर चुकी है, मगर रियासती हुकूमत 2500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को ज़ेर अल्तवा में रखी है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए वखाराबाद और रंगारेड्डी अजला के तकरीबन 600 अफराद को रोज़गार फराहम होगा। नाज़रीन आदाब, आज हमारा मुल्क संगीन हालात से दोचार है। पहले कोरोना का कहर था, उसके बहाने चाइना ने हमारी सरहदों में घुसने की कोशिश की और हमारे जांबाज सिपाहियों ने जो अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मुतय्यन हैं उन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगा दी, जिसमें 20 जवानों ने अपनी कुर्बानियां देते हुए मुल्क की सरहदों की हिफाजत की। उसमें खुद हमारे तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल संतोष बाबू एक हैं। हैदराबाद को 70 के दहाई में मुल्क के दिफा के लिए सबसे बेहतरीन मुकाम करार दिया गया। उसके बाद कई दिफाई फैक्ट्रीज़ को और दिफाई मराकज़ को हैदराबाद में क़ायम किया गया। उसी तरह हैदराबाद से मुतसिल रंगारेड्डी में एक मुकाम को सेलेक्ट किया जहां पर नेवल राडर का क़्याम का मंसूबा था, मगर बदकिस्मत यह है कि वो आज तक पूरा ना हुआ, जबकि 2017 में हुकूमत ने रियासती हुकूमत ने एक जियो के ज़रिए 2900 एकड़ ज़मीन अलाट करने का ऐलान किया। उसके साथ ही मरकज़ी हुकूमत ने 150 करोड़ रुपये उसको फराहम कर दिए, लेकिन वो अब तक जो ख्वाब था शर्मिंदे ताबीर नहीं हुआ। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं विखाराबाद के रुकन साबिका रुकन असम्बली टी राममोहन रेड्डी साहब, जिन्होंने हुकूमत को हैदराबाद में जब इस राडर की तलाश का मंसूबा था ज़मीन की निशानदेही करते हुए एक अमली मनसूबे की जानिब कदम उठाया। आइए हम उनसे बात करते हैं। राममोहन रेड्डी साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। राममोहन रेड्डी साहब, ये बोलिए रंगारेड्डी को डिफेंस मुल्क की दिफा के लिए सबसे बेहतरीन मुकाम करार दिया गया, तो उसके लिए यहाँ पर कई डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री कैंपस है, बड़े बड़े यहाँ पर क़ायम किए गए और एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल रिसर्च सेंटर ऑफ एमिरेट्स वगैरह, तो इसी तरह विखाराबाद में भी कुछ राडर के क़ियाम का मंसूबा था, वो कैसा था, कहाँ पर है, क्या हुआ और कहाँ तक उसी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची आज तक? पहली बात, अपना तेलंगाना राष्ट्र का संतोष बाबू जी कर्नल, उनके साथ ही 20 अपने देश के इंडियन आर्मी फौज इंडो चाइना बॉर्डर नॉर्थ लद्दाख के पास जो चाइना के जो आर्म फोर्सेस लोग अपने आर्म फोर्सेस लोगों को ख़त्म करा दिए, ये बहुत बुरी बात है। एक तरफ पूरे प्रपंच में बात ये चल रही कि कोरोना जो है ना चाइना से दूसरे देशों में आ रही बोल के, और दूसरी तरफ इतनी बुरी वक्त पे अपने देश के ऊपर अपने सैनिकों के ऊपर जो हमला करे वो बहुत बुरी बात है। 37 ईयर्स ओल्ड संतोष बाबू, दो बच्चे बीबी जो लोग उनके बेटी उनका पिताजी को जो आखिरी प्रणाम करे, मेरे को आंखों से पानी निकल गई, बहुत दुख हुआ। क्योंकि मेरे घर में मेरे माँ पिताजी, मेरे माँ सुकन्यम्मा, मेरा पिताजी रामकृष्ण रेड्डी साहब, हमारे घर में पहले बेटे को हमारे भैया को रविंदर रेड्डी को इंडियन एयरफोर्स में भेजा है। तो हमेशा हम ये सोचते कि हमारे घर में हमारे पहली बेटे को हमारे माँ पिताजी जो है ना अपने देश को सेवा करने का एक भाग्य हमारे पिताजी लोग दिए, बल्कि हमेशा मैं खुशी से और गर्व से बोलते रहता हूँ हमारे दोस्तों के साथ मित्रों के साथ। वैसे ही हमारे दादा सुभान रेड्डी साहब बहुत बड़े पट्टेदार हैं, उन्होंने 350 एकड़ के जमा पट्टेदार हैं,
शिवारेड्डीपल्ली दोमा मंडल बरगी कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्हें भी क्या करें, उनका चौथा बेटे को कर्नल टी रामचंद्रा रेड्डी को जो है ना इंडियन आर्मी में भेजा है। उन्होंने पाकिस्तान वार लड़े, चाइना वार लड़े, हमेशा जो है ना जब भी तातिल में जो आते रहते तो हमसे बात करते थे, और उन्होंने पुणे में नौकरी करते थे, मैं जाता था उनके क्वार्टर में, बहुत खुशी होते थे हम, हमारे चिच्चा जो है ना कर्नल है, देश के वास्ते काम कर रहे हो। मैं भी बचपन में स्कूल में जो है ना एनसीसी में था, मैं सोचता था मैं भी आर्म फोर्सेस में जाना बोल के सोचता था, मैं एनसीसी में था। एनसीसी बोले तो क्या है, बोल तो अगर आर्म फोर्सेस चाहिए तो हमारे एनसीसी को बुला लेते, वैसा एनसीसी का हम अग्रीमेंट देना पड़ता, हम दिए है, वैसा मैं एनसीसी में था। तो ये पूरा देखते हुए हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब भी जो है ना उत्तम कुमार रेड्डी साहब, वो कैप्टन काम करें, हमेशा बोलते रहते हैं हमारे साथ फोर्सेस में, हम जो है ना आगे रह के बॉर्डर कंट्रीज में, बॉर्डर स्टेट्स में हम ड्यूटी करते थे, बहुत मुश्किल से करते थे, बोल के हमेशा बोलते रहते। तो वैसा हमारा सर्कल से हम ऐसे लोग हैं। तो आज जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपना देश का पहली प्राइम मिनिस्टर जो प्लान करे अपने इंडिया सिक्योरिटी के वास्ते जो है ना, ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि विशाखापट्टनम के पास जो है ना एक नेवल बेस बना दिया उन्होंने, वो नेवल बेस 64 में फुल फ्लेज्ड वर्किंग कंडीशन में आ गया। तो 1971 में एक पाकिस्तान का गाजी बोल के सबमरीन, जलंतरगाम बोल के भी बोलते हैं उसको, वो अंडर वाटर जाती है, जाके जो है ना कई शत्रु देशों के पास जाके ऐसा उठ के 100 किलोमीटर तक फायर कर देती है, फिर अंदर डूब जाती है। बहुत सीक्रेट काम करती है ये गाजी जलंतरगाम। तो उस वक्त पर नेहरू जी का जो आलोचन, जो प्लान करे, वो प्लान जो है ना अपन को 71 में काम को आया, वो 64 में वो अमल कर दिया उन्होंने, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मगर 71 में अपन को काम आया, गाजी अंदर से छुपके आ गई। तो जो है ना राजपूत बल्कि अपना जो जलंतरगाम है उनका पोजीशन ले लेके जो है ना इसको गाजी को अपन दम्स कर दिए। तो अपना देश का एक रक्षा हो गया वो नेवल स्टेशन से। तो ऐसे नेवल स्टेशंस अपने जो समझो चेन्नई समझो तो गोवा समझो, तो पूरे लोगों को कनेक्टेड विशाखापट्टनम को एक नई टेक्नोलॉजी होना। आजकल इंटरनेशनल लेवल में टेक्नोलॉजी का बात हो रही है, कहीं देखो टेक्नोलॉजी से काम चल रहा है, पुराना सरकार नहीं है अभी। सो ये टेक्नोलॉजी है कि ये रडार टेक्नोलॉजी, लो फ्रीक्वेंसी रडार टेक्नोलॉजी बोल के, ये हमारे परगी कॉन्स्टिट्यूंसी में पुडूर मंडल में बहुत ऊंचाई प्लेस है, वहाँ से जो है ना कनेक्शन हर एक सीशोर एरिया को कनेक्शन हो जाती है। तो उसको करने के वास्ते जो है ना वो एरिया में 2900 एकड़ ज़मीन में 1900 करोड़ से वहाँ पे पूरा केंद्र सरकार का पैसा है, खाली ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट देना है, उसका पैसा भी केंद्र सरकार दे देंगी, 150 करोड़ रुपए दे दिए भी, और उसका जो है ना जीवो भी 2017 में अपना तेलंगाना सरकार उसका जीवो दे दी। और जो है ना मैं MLA रह से वक्त पब्लिक हियरिंग करके पुडूर गांव में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में हम भी क्लियर कर दिए, हमारे जो ग्राम सभा रहती पूरा हम क्लियर कर दिए। अभी जो है ना उसका जो फिजिकल बाउंड्रीज रख के उनको हैंडओवर करना है, वो अपना राष्ट्र सरकार करने का है, अपने चीफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्शंस देके कराने का है, वो नहीं करा रहे। मैं पर्सनली हमारे फ्लोर लीडर बट्टी विक्रमार्का जी से 2019 सितंबर में असेंबली में बात कराए, चीज़ आप जो है ना 1900 करोड़ की प्रोजेक्ट है, 500 लोगों को नौकरी भी आ जाएंगे, उसमें 250 तो अपने तेलंगाना वालों को मिलेंगे, विकाराबाद वालों को मिलेंगे, और जो है ना अपना राष्ट्र का भी भला हो जाएगा। ऐसा एक प्रेस्टिजियस स्ट्रेटेजिक प्लांट है, ये नेशंस प्लांट है, अपना इंडियन गवर्नमेंट का है, हाईएस्ट प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है बोल के असेंबली में बात करें, उसका रिप्लाई भी चीफ मिनिस्टर साहब नहीं दिए।
मैं चेयरमैन साहब को पर्सनली उनके कमरे में असेंबली में जाके मिलके एक घंटा बात करा, हमारे परगी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रोजेक्ट्स है हर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करा। वो प्रोजेक्ट में इम्पॉर्टेंट पहले प्रोजेक्ट ये है, 1900 करोड़ का प्रोजेक्ट आप सैंक्शन करना है, हमारे लोगों को जॉब्स आएंगे बोल तो देखेंगे देखेंगे ऐसा बोल के सीएम साहब टाल दिए मगर नहीं दिए। उन्होंने ये बोल रहे कि डिफेंस एरियाज में से कंटोनमेंट एरिया से अपन पानी के वास्ते पूछ रहे, मिलिट्री वालों को वो लोग नहीं दे रहे, हाँ तो अपन कैसा देना, और जो है ना रोडा डालेंगे बोले तो नहीं दे रहे, ऐसा चीज़ें बोल रहे हैं। तो मैं ये पूरे चीज़ें जो है ना जो आर्मी ऑफिसर्स को बोल दिया वो पूरे क्लियर कर दिए, बोला वो भी नहीं है। अच्छा। मैं बात करके करा दिया पूरे कर्नल सब लोगों से, मैं मुलाकात होते रहता हूँ व्यवहार करते रहते, क्योंकि मैं भी समझता हूँ मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं भी परसों तक आपको मालूम है MLA था, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपन क्या करना, अपने देश का बल के वास्ते क्या करना, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री। तो मैं जो है ना हमेशा मिलके वो पूरा भी काम करा दिया। तो अभी चीफ मिनिस्टर साहब रिसेंटली 2 दिन के पहला एक स्टेटमेंट दिए, क्या स्टेटमेंट बोलते, इस सिचुएशन पे अपन कुछ पॉलिटिकल बातें नहीं करना, अपना देश पूरा एक बात के ऊपर रहना। मोदी जी भी वही बात बोल रहे, KCR जी बात, हम वही बात बोल रहे हमेशा, हम क्या बोल रहे ए टाइम में फौरन अपन ये ज़मीन हैंड ओवर कर देंगे, कर दिया तो क्या होता अपना नेवी को जो है ना कनेक्टिविटी हो जाता है, वहाँ से उनको कनेक्टिविटी होके वो लोग टेक्नोलॉजी बढ़ गए तो और अच्छा काम कर सकते, अपना देश को बचा सकते। सो ये चीज़ के ऊपर जो है ना मैं चीफ मिनिस्टर साहब को ये बोलना चाह रहा हूँ, आज चाइना पाकिस्तान को श्रीलंका को बर्मा को ये पूरे देशों में वाणिज्य व्यापार लावादेवियों में पूरा उसका कंट्रोल ले लिया है चाइना, अभी उसका इकोनॉमी पूरा चाइना का कंट्रोल में आ गया, तो उनका आर्मी बेस बनाएंगे कल के दिन वहाँ पे आर्मी बेस बन गए तो अपन को बहुत मुश्किल, चारों तरफ फैल जाती है चाइना, तो बहुत मुश्किल की बात है। तो मैं हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी आर्म फोर्सेस लोग हैं, तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फौरन जो है ना ये 1900 एकड़ का जो ज़मीन है उसका बाउंड्रीज पंचनामा करके फौरन जो है ना उसको हैंड ओवर करना आर्म फोर्सेस वालों को, नेवी लोगों को, इमीडिएट लोगों ना वो लोग काम करने वास्ते तैयार है, वो लोग 1000 करोड़ रुपए का L&T कंपनी को ऑर्डर दे चुके हैं, अभी जो है ना काम डिले से होने से वो जो है ना उसको ऑर्डर को सस्पेंड कर चुके हैं। तो इस वक्त पर मैं ये डिमांड कर रहा हूँ फौरन जो है ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो ज़मीन है ना नेवी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। नहीं राममोहन रेड्डी साहब ये बोलिए, ये राडर जो स्टेशन है ये आने से कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, डिफेंस को क्या फ़ायदा होगा? अंडर वाटर पानी के अंदर ये सेलफोन जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो काम नहीं करता, आप देखेंगे आप अपन सेक्रेटरी के सामने से आते रहते ये छोटी पानी को जो अपने फोन आने काम करते हैं, अपन बाहर से बाजू से आए तो, अब अंदर पानी के अंदर ये जलंतरगाम क्या है पानी के अंदर रहती है। अच्छा। सो ये पानी समझो इसके नीचे रहती है, ऊपर नहीं दिखती है, तो ये फ़ोन नहीं काम करते। तो ये लोगों को जो है ना कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस चाहिए क्या करना है किधर करना है, ऊपर से आदेश अमल करना है, तो आदेश अमल करने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। ये रेडर स्टेशन एक आधे किलोमीटर की रेडर रहती, पुडर में जो आने वाली रेडर आधा किलोमीटर रहती हाइट रेडर, तो वहाँ से आप देखो विखाराबाद से भी दिखेंगी, छेवेले से भी दिखेंगी, परगी से दिखेंगी रैडर, उतनी बड़ी रैडर डालने चाह रहे वहाँ पे, और उसमें जो है ना 1500 एकड़ ग्रीन बेल्ट जोन कर रहे, समझो ये पूरा ज़मीन है, खाली थोड़ा ज़मीन दो यूज़ करेंगे, पूरा ज़मीन ग्रीन बेल्ट डेवलप करेंगे। अच्छा। ऐसा ऑलरेडी एक कन्याकुमारी के पास में है, वहाँ पे अच्छा इवन एनिमल्स का भी प्रोटेक्शन हो रहा है, थोड़े लोगों में गलत ये है कि अपन ये फॉरेस्ट में बर्ड्स रहते ये रहते तो वो लोगों को मुश्किल हो जाती है, अपन फॉरेस्ट कट कर दे, ऐसा नहीं है, ये थोड़ी एरिया वो लोग रैडर को यूज़ करेंगे, बाकी एरिया को जो है ना डेवलप करेंगे, ग्रीन बेल्ट डेवलप करेंगे। तो वहाँ पे जो है ना वो ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का रीज़न क्या है? हर एक जगह पे जो है ना जो अभी ये रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट को अपन प्रोटेक्शन करना है, उसमें एनिमल्स रहते उसमें बर्ड्स रहते, तो अपन उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो इसलिए जो है ना ग्रीन बेल्ट को बढ़ाते। तो ये राडर आ गया, राडर आने के बाद में
डिफेंस सिस्टम को क्या फ़ायदा है इससे पूरे कंट्री के? डिफेंस सिस्टम को कम्युनिकेशन नेटवर्क बनती है, ये फ़ोन नहीं चलती है। इंडिया में क्या है, ये क्या है कि फौज आर्मी है वो लोग फील्ड में काम करेंगे, गाड़ियाँ लेके युद्ध रंग में चलाएंगे, और एक है एयरफोर्स हवाई जहाज से जाके फाइट करेंगे, और एक क्या है कि पानी में जाके फाइट करेंगे, तीन है अपने पास। ये नेवी, इंडियन नेवी, इंडियन नेवी को क्या प्रॉब्लम है बोले तो फ़ोन नेटवर्क नहीं काम करता है उसका। वो सबमरीन में रहते, वो अंदर अंदर रहते, पानी के अंदर रहते, दिखते नहीं वो लोग। अच्छा। अंदर उसका अंदर पूरा उसको हवा आते रहता, सब आते रहता, एसी रहता, सब रहता, उसमें खाना मिलता, सब रहता उसके पास, पूरे जो है ना वेपन्स पूरे रहेंगे उनके पास, मगर जो है ना वो पानी के अंदर रहेंगे। तो इस वो पानी के अंदर रहने वाले को कम्युनिकेशन नेटवर्क अथॉरिटी से चाहिए। तो इसलिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे कि फौरन ये टेक्नोलॉजी देना ज़रूरी है, अपन नेवी डिपार्टमेंट को फौरन ये लैंड हैंडओवर करे तो ये टेक्नोलॉजी वो लोगों को ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब भी जो है ना अपना देश का भलाई होगा। सब ये तो सब मेरियन के लिए है, मेरियन के लिए, उससे हट के इसके राडर का और क्या यूटिलाइज हो सकता है? ये बेसिकली क्या है, ये सीक्रेट प्रोजेक्ट है, इसका एक 2-3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी रहता है। अगर कोई उसके अंदर जाना चाहे तो 2-3 जगह पे उनको रोक देते हैं, नंबर वन। नंबर टू जो है ना, जब भी आर्म फोर्सेस जब वार होती है, इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन किसको ज़रूरी है, ये जो अंदर पानी के अंदर सबमरीन में रहते हैं उनको ज़रूरी है। बाहर के लोगों को तो फ़ोन चल जाती है, उनको फ़ोन नहीं चलती है। जिसको फ़ोन नहीं चलती है उनको टेक्नोलॉजी देना ज़रूरी है। सो वो टेक्नोलॉजी दिए तो ही वो लोग इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कैसा इस्तेमाल करेंगे? अभी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक अपन जो है ना ये अंडर वाटर सबमरीन से अपन फायर कर सकते, फायर करने का ऑर्डर ऊपर से आएगा। अच्छा। तो वो ऊपर से आए ऑर्डर को ये लोग अमल करना है, तो ये नेटवर्क बना देंगे हम दिल्ली से जो है ना पुडूर गांव को परगी कॉन्स्टेंसी में इसका रडार स्टेशन आएगा, वो दिल्ली से कनेक्टेड रहेगा। दिल्ली से प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आएगा, फायर बोले तो फायर कर देंगे, ऐसा रहेगा ये चीज़। प्राइम मिनिस्टर कभी भी वार है तो कभी भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर के हाथ से ही होता है। डिफेंस मिनिस्टर उनके सपोर्ट में रहते हैं, उनके बाजू बढ़ते हैं, मगर डिसीशन मेकिंग जो है ना ओनली प्राइम मिनिस्टर विल टेक द डिसीशन एट द टाइम ऑफ वॉर। सो फॉर गिविंग instructions from Prime Minister office, Prime Minister to the our naval forces, this communication network is required. This communication network is going to come in our constituency, Pudur village, Pargi constituency in Bakharabad district. ये तो इस वक्त है, ये बोलिए अब जो चाइना से इंडिया की जो वार हुई है, इस वार के अंदर कहाँ तक इंडिया कामयाब रहा और कहाँ तक चाइना को पीछे हटाया, और क्या मुस्तकबिल में चाइना फिर इस तरह की हरकतें करते हुए अंदर घुस सकता है हमारे पास? दो चीज़ है इसमें, अपना जो पॉपुलेशन है, अपना कंट्री का जो पॉपुलेशन है सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया है। सो चाइना आजकल क्या कर रही बोलते, बिजनेस जो भी प्रोडक्ट है चाइना प्रोडक्ट बोलते हैं। सो बिजनेस से बहुत देशों को जो है ना उनका सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, फर्नीचर सप्लाई कर रहे हैं, और कोई आइटम सप्लाई कर रहे हैं, मशीनरी सप्लाई कर रहे हैं। तो आज के दिन आप देख रहे हैं व्हाट्सएप में बहुत चीज़ें जो है ना ऑर्डर्स कैंसिल कर दे रहे चाइना को। तो एक फाइनेंशियल पावर बनना चाह रही चाइना, वो फाइनेंशियल पावर को जो है ना अपना कंट्री में रहे सो सिटीजन्स, जब अपना संतोष बाबू अच्छे एक कर्नल कम उम्र में 37 इयर्स में ऐसे आदमी को जो ख़त्म कर दिया है, तो देश पूरा आज हमारे राहुल गांधी जी मैसेज दिए हमारे को, कल उनकी बर्थडे था, बर्थडे नहीं बनाना है अपन को, गरीब लोगों को हेल्प करना है और अपन कंडोलेंस देने का है संतोष बाबू के वास्ते। हम पूरा वही काम करें, कहीं केक कटिंग नहीं, कोई हॉस्पिटल में गए हेल्थ वर्करों को डॉक्टर्स को सम्मान करें। तो जो है ना आज देश पूरा चर्चा चल रही है, चाइना जैसा अपने ऊपर जो है ना हमला कर रही है इस वक्त पर, करोना उनके तरफ से आया, बल्कि हर एक आदमी बोल रहे हैं कि चाइना लोग करोना फैला है पूरे वर्ल्ड में, बल्कि अब इस वक्त पर ये लोग ये वार का जो ले रहे वो बहुत गलत है। इसको पूरे दूसरी कंट्रीज़ भी अपने बाजू रहे सो कंट्रीज हांगकॉन्ग पूरे अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना को नहीं सपोर्ट कर रहे, क्योंकि जो टाइम में
ये लोग जो डिसीजन लेके अभी कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और मेरे को ये मालूम हुआ कि कीले मार के कीलों से पत्थरों से अपने जवानों को वो लोग ख़त्म करें, क्योंकि आर्म फोर्सेस में कोई रूल्स रहते, कोई मिशनरी यूज़ नहीं करना, वो स्टेज में मिशनरी यूज़ नहीं करना। और मेजर जनरल लेवल में डिस्कशंस होते रहते हैं। अभी परसों दो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स भी बात करें, इसको हल्लू इनको जो है ना अपन विड्रॉ कर लेंगे फोर्सेस बोलने का बातचीत हुई, बल्कि अपन अखबारों में टीवी में देख चुके हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ एक शांति से रहने का है। आज कोरोना के पूरे वर्ल्ड परेशान में है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे, लोगों को नौकरियां चले गए, पैसे नहीं हैं, खाने को मुश्किल है। अमेरिका में जो ना रेस्टोरेंटों के ऊपर उधर रह सो सिटीजन्स हमला करके जो है ना खाने के चीज़ें चुरा के चले जा रहे हैं, और जो है ना ट्रंप को खुद वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो जा रहा उन्हें। ऐसी सिचुएशन में ये करना बहुत गलत है। जो भी है अपन को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में अपन पूरे मेंबर्स हैं, यूनेस्को, उधर जाके अपन बैठ के बात कर ले सकते, सब देश के मेंबर्स रहेंगे, अपने जो दो देश में अगर कोई इशू है तो उधर बैठ के बात कर ले सकते हैं। मगर ऐसा वार को ये टाइम में करना बहुत गलत है। मगर और एक चीज़ भी है, अपने सैनिकों को जो 20 लोगों को चाइना का आर्मी जो ख़त्म करा उसका तो बदला लेना ज़रूरी है, क्योंकि अपना हिम्मत बढ़ाना है अपने लोगों का, अपना आर्म फोर्सेस का जो है ना हिम्मत बढ़ाना है, क्योंकि अपने आर्म फोर्सेस वाले भी सोचेंगे कि अपन कुछ नादान है, बिल्कुल अपन नादान नहीं है, ये जो है ना पीछे से आके ये लोग धोखा करके अपने लोगों को ख़त्म करे। मगर हम मोदी साहब को ये बोलना चाह रहे, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बोले, एक फिटिंग लेसन देना है चाइना को, लिए तो वो लोग और एक बार ऐसे हरकत नहीं करेंगे। तो हम डेफिनेटली हम डिमांड कर रहे अपना जो 20 आदमी का जो लोग जो हमला करे, बिल्कुल अपन भी वो लोगों को जो है ना उसको एक फिटिंग लेसन देना बल्कि हम डिमांड कर रहे अभी हम राडर के लिए ज़मीन TRS गवर्नमेंट ने दी, तो उसके ऊपर क्या आप लोग प्रेशराइज करने के लिए कोई काम करेंगे? 2017 में TRS सरकार 150 करोड़ रुपए ले लेके जीवो इशू कर दिए, ऑलरेडी जीवो 2017 में इशू कर दिए, और 2011 में केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार उसका जो है ना एनवायरनमेंट क्लियरेंस पूरा दे दिए, और ये लोग अभी जीवो दे दिए। जीवो देने के बाद 3 साल हो गया अभी को, तो 20 में आ गया अपन, 3 साल से जो है ना चीफ मिनिस्टर साहब उसको रोक के रखे। मैं असेंबली में बात कराया, उसका जवाब नहीं दिए। एक देश का इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी भी एक अपोजिशन लीडर बात कर रहे बोले तो चीफ मिनिस्टर रिप्लाई देना ज़रूरी है। मगर जो है ना आज तक पिछले सितंबर 2019 को असेंबली में मैं मिल के बात करा CM साहब से, हमारे बट्टी विक्रमार्का जी बात करे, असेंबली में बात करे, उसका रिप्लाई नहीं है। तो ये बहुत बुरी बात है। हम ये डिमांड कर रहे कि इमीडिएट ये लैंड को जो है ना पंचनामा करके हैंड ओवर करना। जीवो दे दिया आप जीवो दे दिया ऑलरेडी, एक इफ्तार दावत थी, सरकारी इफ्तार दावत थी, जाना रेड्डी साहब जाने का था इफ्तारी दावत में, तो उन्होंने कुछ दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ इफ्तार था, तो मेरे को CLP सेक्रेटरी है, मेरे को भिजाते रहते उन्होंने, तो इवन आल पार्टी मीटिंग को भी मैं जाता था CM साहब से बात करने के वास्ते सेक्रेटरीट में। तो इस तारीख में गया, अपने गोलकोंडा नवाब थे, मैं था, CM साहब थे, तीनों ऐसे बैठे थे, तो CM साहब को मैं मुबारकबाद भी दिया, साहब हमारे नावल प्रोजेक्ट को आप जीवो दे दिए, बल्कि 2 दिन हुआ था। अच्छा। तो हाँ हाँ बोल के बोले, अब 3 साल से वो रोक के रखे बोले तो 150 करोड़ रुपये ले लिए, और वो लोग 1000 करोड़ रुपये LNT कंपनी को ऑर्डर भी दे दिए और ऑर्डर भी कैंसिल कर दिए। वो लोगों को काम नहीं है, आके मिलिट्री लोग बैठे हुए यहाँ पे, हमको आके मिल रहे हैं यहाँ पे, साहब आप बात करो कैसा भी करके हमको काम शुरू कराओ। कितनी बुरी बात है, देखो अपने नेवी वाले आके अपन को ऐसा रिक्वेस्ट करने का क्या है, अपन जाके उनका काम करा के देना है, बहुत बुरी बात है। और छोटी प्रोजेक्ट नहीं है, जब 1900 करोड़, अब 3 साल डिले हो गया, मैं समझता हूँ 2500 करोड़ रुपये हो गया, और डिले करे तो और बढ़ जाती, तो अपना देश का पैसा फजूल वेस्ट हो जा रहा। चीफ मिनिस्टर साहब को बोल रहा हूँ ये बहुत गलत मैसेज जाएंगे इन फ्यूचर में, क्योंकि अपन पूरे जो है ना डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपन पूरे जो है ना सोन करे ओथ ले लिए कि अपना देश को अपन जो है ना किसी वक्त पर अपन देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने आर्म फोर्सेस को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि अपन जो ओथ लिए वो ओथ के साथ अपन चलना है। तो
तो इसलिए फौरन आप जो है ना ये ज़मीन को हैंड ओवर करना मिलिट्री को, नेवी डिपार्टमेंट को, बल्कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब को अपील कर रहा हूँ। मैं शुक्रिया राममोहन रेड्डी साहब आईएनएन से बात करने के लिए। थैंक यू। ज़िले रंगारेड्डी के पुडुटूर मंडल में नेवी के लिए राडर के क़्याम का प्रोजेक्ट मरकज़ की जानिब से 150 करोड़ रुपये जारी होगा, लेकिन रियासती हुकूमत ने ज़मीन के लिए 2900 एकड़ ज़मीन के लिए जीव जारी तो की है, लेकिन पचनामा करते हुए ज़मीन उसके हवाले नहीं की। कांग्रेस पार्टी हुकूमत से डिमांड करती है वो इस इतने बड़े बाविखार प्रोजेक्ट के लिए फौरी ज़मीन मरकज़ के हवाले करें डिफेंस मिनिस्ट्री के, ताकि नेवी का ये प्रेसिज प्रोजेक्ट पाए तकमील को पहुँच सके। आईएनएन चैनल के लिए मैं हबीब अली अलजानी कैमरामैन अदनान के साथ।